सपने में बिना जूता के चलना या आप बिना चप्पल के चलते हैं तो कुछ सपने शुभ हो सकते हैं और कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं। अगर आप सपने में बिना जूता के रास्ते पे चलते हैं या बिना चप्पल के चलते हैं सीधे रास्ते पर, तो यह सपना आपके भविष्य के लिए सकारात्मक सपना है। अगर आप वर्तमान परिस्थिति में बुरे दौर से गुजर रहे हैं और खुद को अकेला किसी रास्ता पर बिना चप्पल या जूते के सीधे रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, तो यह सपना आपके दृढ़ निश्चय की सोच को प्रदर्शित करता है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आंतरिक रूप से बहुत गंभीर हैं, बहुत दृढ़ शक्ति के साथ उसमें कार्य कर रहे हैं। आपको अपने आप पर पूरा विश्वास करना चाहिए। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। यह समय आपके लिए अनुकूल है, पर आपकी अभी परिस्थिति खराब जरूर होगा, पर जल्द इस समस्या का आप समाधान निकाल लेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जोर दबाएँ ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहुँचे और आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं अगले सपने के बारे में। अगर आप सपने में बिना जूता के बहुत सारे रास्तों पर चलना स्टार्ट कर देते हैं या चल रहे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो यह सपना आपके अनुकूल नहीं है, यह सपना आपके लिए अशुभ है। आप अपने जीवन में लक्ष्य को स्पष्ट नहीं रखते हैं, आपको अपने लक्ष्य में क्लियरिटी नहीं है। आप जिस भी काम कर रहे हैं या कोई भी कार्य करते हैं उस काम में आपको स्पष्ट होना चाहिए, आपको अपने संबंध को अच्छा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। यह सपना आपके लिए अच्छा हो सकता है, पर आपको स्थिर मन से कार्य करने की ज़रूरत है, आपको अपने कार्य में केंद्रित होने की ज़रूरत है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी आप अपने वास्तविक जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगले सपने के बारे में बात करते हैं। सपने में बिना चप्पल या जूता के जंगल पे चलना। अगर आप सपना देखते हैं किसी जंगल में या किसी छोटे रास्ते में आप अकेले चल रहे हैं, तो यह सपना आपके लिए शुभ है। अगर आप किसी हरे भरे जंगल पर चल रहे हैं तो आपको किसी का सहयोग मिल सकता है, आपके काबिलियत की तारीफ हो सकती है, पर आपको अपने कार्य में ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अपने मान सम्मान को सुनकर चुप बैठने की ज़रूरत है या फूल जाने की ज़रूरत है। आपको अपने रास्ता खुद बनाना पड़ेगा और आपको अपने आंतरिक शक्ति को पहचानना पड़ेगा। आपको लगातार अपने कार्य में ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जंगल में, हरे भरे जंगल में नंगे पैर चल रहे हैं तो, पर आप किसी जंगल में चलते हैं, अगर वह जंगल पतझड़ है, वहाँ पेड़ पौधे में पत्ते नहीं हैं, सूख चुके हैं, तो यह सपना आपके जीवन के लिए अशुभ सपना इंगित करता है। आपको परेशानी हो सकती है, आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपको संघर्ष के बाद सफलता मिल सकता है। आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए बल्कि अपने कार्य में ध्यान देना चाहिए। अगले सपने के बारे में बात करते हैं। सपने में आकाश में आप बिना जूता या चप्पल के चल रहे हैं, तो यह सपना आपके लिए शुभ सपना है। अगर आप इस तरह के सपने देखते हैं तो यह सपना आपके आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने वाला सपना है। आपका जीवन अच्छे कर्मों की ओर बढ़ रहा है, आपका जीवन उच्च मूल्यों को धारण करता है, क्योंकि आप अच्छे सोच के साथ अच्छा कार्य करना पसंद करते हैं। आपके स्थिर मन के साथ आपको खुशी भी मिलेगा। अगले सपने के बारे में बात करते हैं। सपने में बिना जूता के आग में चलना। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप किसी आग जो जल रहा है उसमें आप बिना जूता के चल रहे हैं, या कोयले जिसमें आग लगी हुई है उसमें आप बिना जूता या चप्पल के चल रहे हैं, तो यह सपना अगर आपको जलाता नहीं है, अगर वह आग आपको जलाता नहीं है, तो यह सपना आपके लिए शुभ है। आपको निकट भविष्य में मान सम्मान मिल सकता है, आपके कार्य में प्रगति का सूचक है, साथ ही साथ आपके पवित्र सोच को प्रदर्शित करता है। पर आप बिना जूता के आग में चलते हैं और आप आग में जल जाते हैं, तो यह सपना आपके लिए अशुभ है। आपको अपने नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए,
ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या का सामना ना हो। अगले सपने के बारे में बात करते हैं, सपने में बिना जूता के रेगिस्तान पे चलना। आप सपने में बिना जूता या चप्पल के रेगिस्तान पे चलते हैं तो यह सपना आपकी समस्या को जरूर बढ़ाएगा, पर आपको अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में सफलता मिल सके। यह सपना आपको संघर्ष के बाद सफलता का संकेत देता है। अगले सपने के बारे में बात करते हैं, सपने में बिना जूता के पानी पर चलना या बिना चप्पल के पानी पर चलते हैं तो यह सपना आपके लिए अशुभ है। अगर आप इस तरह के सपने देखते हैं तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए बल्कि अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करना चाहिए, अपने मन पर ध्यान लगाना चाहिए, अपने मन को विकसित करने की कोशिश करना चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आपका भविष्य सफलता से भरा हुआ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।